सावन का अंतिम सोमवार आज है और मध्य प्रदेश सहित देश भर के मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। शिवालयों के बाहर भक्तों का तांता लगा हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, शिव मंदिरों में दर्शन पूजन कर रहे हैं श्रद्धालु। हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। उज्जैन में भी भक्त सुबह से ही पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज सावन का अंतिम सोमवार, शिवालयों के बाहर शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु शिव मंदिर में जलाभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। मंदिर में हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। 4 जुलाई को सावन महीने की शुरुआत हुई थी। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स जुड़ गए हैं। उज्जैन से मयंक हमारे साथ जुड़ गए हैं, ग्वालियर से विनोद जुड़े हुए हैं, तो जबलपुर से दुर्गेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले महाकाल की नगरी यानी कि उज्जैन का रुख करूंगी। मयंक, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? आखिरी सोमवार है और उत्साह की कोई कमी नहीं। तस्वीरें जरा सबसे पहले पहुंचाइए। जी, जो उज्जैन की बात करें तो बाबा महाकाल के दरबार में सुबह भस्म आरती तड़के 2:30 बजे जो हुई थी, उसके बाद से श्रद्धालुओं का जो तांता है लगातार मंदिर में आ रहा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने आ रहे हैं। तड़के जो है भस्म आरती के लिए पट खुलने के बाद ही बाबा का पंचामृत अभिषेक किया गया। पंचामृत अभिषेक के बाद बाबा को भस्म रमाई गई है, जब से लगातार भक्तों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि न्यूज स्टेट के माध्यम से बाबा महाकाल के मैं दर्शन कराना चाहूंगा। अभी बाबा महाकाल की जो है सतत जल की धारा जो है चल रही है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं। कम से कम 5 रोज से बाबा महाकाल को दर्शन कराया जा रहा है, बाबा महाकाल के दर्शन श्रद्धालुओं को कराए जा रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन पहुंच रहे हैं। वह बड़ी संख्या में जो श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस बल सहित मंदिर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे और बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। साथ ही जो बात कर ले तो सुरक्षा व्यवस्था की तो बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनात की गई है। मंदिर प्रबंध समिति द्वारा भी जो मंदिर सिक्योरिटी गार्ड उनके जो श्रद्धालुओं के साथ आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु को यहाँ को आगे हुए बाबा महाकाल के आसानी से दर्शन करा रहे हैं और आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। जय बाबा महाकाल के संबोधन के साथ बाबा का जो कार्तिकेय मंडल है और गणेश मंडल से श्रद्धालुओं को दर्शन करा जा रहा है। देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच जी बिल्कुल बिल्कुल। और तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, श्रद्धालुओं की भी भीड़ नजर आ रही है। मयंक, लौटूंगी आपके पास, हो सके तो श्रद्धालुओं से बातचीत करने की कोशिश करना। तो आगर मालवा से जावेद हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ग्वालियर से विनोद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जबलपुर से दुर्गेश जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, आपका रुख मैं करना चाहूंगी। जबलपुर में किस तरीके से बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की जा रही है? आखिरी सोमवार है आज। जी, हाँ, जो सावन कहलाता है उसका आज आखिरी सोमवार है और आखिरी सोमवार का बड़ा विशेष महत्व ही होता है। हमने देखा कि पूरे सावन माह में, खासकर इस बार जो सावन माह पड़ा था वो 59 दिनों का पड़ा था, यानी कि अति मास इस सावन माह में पड़ा था, जो लंबे अरसे के बाद आता और ऐसा विशेष संयोग लेकर ये सावन माह आया था कि पूरे सावन माह हमने भगवान भोलेनाथ की भक्ति के नजारे देखे और तमाम शिवालयों में बड़ी संख्या में लोग देखे। इस वक्त मैं जबलपुर के प्राचीन शिव मंदिर शिव शक्ति कल्याण मंदिर समिति में मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। हालांकि सुबह का वक्त है, बहुत ज्यादा भीड़ भक्तों की नहीं है, लेकिन जिस तरीके का मंदिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना प्राचीन और भव्य मंदिर है। ये कलचुरीकालीन मंदिर है जो तकरीबन 1200 साल पुराना कहा माना जाता है, क्योंकि इसकी जो आकृति है वो कलचुरीकालीन है और कलचुरीकालीन होने के वजह से ये जो है बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। और सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर में भगवान भोलेनाथ के 2 शिवलिंग विराजमान है और सुबह से हम यहाँ पर देख रहा हूँ कि इक्का दुक्का भक्तों का आने का सिलसिला जारी है, लेकिन जिस तरीके से आज सावन का आखिरी सोमवार है, मैं सीधे आपको अंदर लिए चलता हूँ किस तरीके से भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लोग ब्रह्म मुहूर्त से ही लीलीन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो शिव भक्त है वो भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का अभिषेक कर रहे हैं और क्योंकि आज आखिरी सोमवार है और आखिरी सोमवार होने के नाते बड़ा विशेष पूजन अर्चन भी होता है। मैं भक्तों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके की तैयारी की है आज आपने आखिरी सोमवार। बहुत अच्छी बात, भोले बाबा की कृपा है, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैं पूरे सावन सोमवार व्रत रही हूँ,
बहुत अच्छा लगा, और अभी भी आई हूँ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। उनकी कृपा है, कृपा बनाए रखे भोले बाबा मेरे ऊपर। आप देख सकते हैं, देखिए भगवान भोलेनाथ के जो शिवलिंग है यहाँ पर, ये यहाँ विराजमान है। और क्योंकि ये यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि ये दो शिवलिंग है, आप यहाँ देख सकते हैं, एक बड़ा शिवलिंग, और भी भक्तगण है अभिषेक की तैयारी कर रहे हैं। जी कितना विशेष मंदिर है। चले ठीक है दुर्गेश, लौटूंगी आपके पास। यहाँ पर संपर्क आपसे टूट रहा है। हमारे साथ ग्वालियर से विनोद जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। विनोद, कौन से मंदिर में मौजूद हैं, कहाँ मौजूद हैं, और किस तरीके से विशेष पूजा अनुष्ठान आज के दिन मंदिर में किया जाता है? देखिए मैं इस समय ग्वालियर के अचलेश्वर महादेव मंदिर पर हूँ, और अचलेश्वर महादेव मंदिर को भगवान महाकाल का ही दूसरा रूप माना जाता है। हम देख रहे हैं कि हर सोमवार को यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ तो लगी होती है, लेकिन जितनी भीड़ पहले सोमवार को थी उससे ज्यादा भीड़ हमें आज देखने को मिल रही है, क्योंकि ये अंतिम सोमवार है। और ऐसा मानते हैं अंतिम सोमवार को भगवान के दर्शन और उनके अभिषेक करने से पहले और सोमवार को जो महत्व मिलता है तो वो पूरे सावन के महीने का ही फल मिल जाता है। जहाँ तक मेरी नजर जा रही है, श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। ये तो मैं केवल एक लाइन की आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ऐसी ही लाइनें इस मंदिर पर तीन ओर से लगी हुई हैं, और तीनों ओर से बड़ी संख्या में हमें श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। कुछ भक्त अभी जलाभिषेक करके लौट रहे हैं। ये देखिए प्रमुख प्रवेश द्वार है अचलेश्वर महादेव पर, ऐसे तीन प्रवेश द्वार हैं जहाँ तीनों जगह से लोग एक जगह एकत्र होते हैं, और सिर्फ उन्हें उतना ही समय मिल पाता है कि वो भगवान पर बस एक लोटा जलाभिषेक कर दें, बिलपत्री चढ़ा दें, धतूरा चढ़ा दें, पुष्प अर्पित कर दें, और उसके बाद वो निकल आए। क्योंकि आज यहाँ पर किसी को भी बड़ा अभिषेक करने का समय नहीं दिया गया है, क्योंकि आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन हाँ, दिन में जरूर कुछ लोग महाभिषेक करेंगे यहाँ पर, तो वो अद्भुत तस्वीरें होंगी। हर सोमवार को इस तरह की तस्वीरें हमें दिखाई देती है, लेकिन जो सुबह से लेकर शाम तक और रात तक आज भीड़ रहने वाली है, वो वाकई में अपने आप में इस सावन के महीने की सबसे ज्यादा भीड़ बताई जा रही है इस मंदिर पर, क्योंकि श्रद्धालु भक्ति और श्रद्धा के भाव में आज के दिन भोलेनाथ को जरूर अभिषेक करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हो सके तो श्रद्धालु जो यहाँ पर नजर आ रहे हैं उनसे भी विनोद बातचीत करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि उनमें उत्साह की कोई कमी नहीं होती है। पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। जी बिल्कुल, देखिए मैं श्रद्धालुओं से बात करने की कोशिश करता हूँ। कुछ लोग दर्शन करके और अभी अभी जलाभिषेक करके लौट रहे हैं। ऐसी संख्या बड़े श्रद्धालुओं की होती है जो सुबह सुबह मंदिर पर अचलेश्वर महादेव पर पहुंचते हैं। सुनिए, आप जलाभिषेक करके आ गए, क्या व्रत किया था आपने? अच्छा, आज क्या मांगा? आज अंतिम सोमवार है भगवान से। कुछ नहीं, ये परिवार वालों के लिए, घर परिवार सब सुख, सब सुख रहे। देखिए मैं और भी श्रद्धालुओं से बात कर लेता हूँ। परिवार के साथ आए हैं, मैं देख रहा हूँ आप इसमें पूरा सामान पूजा का लेके आए भगवान का। थोड़ा नीचे आ जाइए, दो मिनट आपसे बात कर लूँ। आज अंतिम सोमवार है जी भोलेनाथ का, सावन का महीने का, और क्या कुछ आपने पूरे महीने व्रत विधान किया, कैसे पूजा की, और आज क्या मांगा भगवान? डेली पूजा करता हूँ यहाँ आके, और भगवान से अपने लिए मनोकामना की इच्छा रखता हूँ कि भगवान परिवार को सुखी संपन्न रखे, और पूरे समाज को, पूरी ग्वालियर की जनता को सुखी संपन्न रखे। क्या आज अंतिम दिन भगवान को क्या अभिषेक किया, क्या क्या चढ़ाया आपने, क्या अर्पित किया आज? मैंने फल फूल और बेलपत्री का डेली चढ़ाना, मेरा प्रसाद का भोग लगाना। बिल्कुल बिल्कुल, प्रसाद चढ़ाया जाता है। विनोद, और आप यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, जो आंसू हैं और ये जो आवाज है ये बता रही है, बयां कर रही है कि आस्था श्रद्धालुओं की भगवान शिव के प्रति, तीन शब्द यहाँ उन्होंने बोले, हर हर महादेव, और इन तीन शब्दों में उनकी पूरी आस्था सिमट गई है। आगर मालवा से जावेद हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, कहाँ पर मौजूद हैं आप? इस बार का सावन और भी खास, आठ सोमवार रहे, कहाँ पर हैं आप और किस तरीके से वहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है?
जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आगर बैजनाथ महादेव मंदिर जो कि काफी प्रसिद्ध मंदिर है, बताया जाता है कि यहाँ ये मंदिर भारत में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर अंग्रेजों द्वारा जिन्न उतार किया गया। सबसे पहला मैं आपको बता दूं कि आज अंतिम सोमवार है और आगर में बाबा बैजनाथ महादेव की शाही सवारी निकलेगी जिसमें लगभग 1 लाख से अधिक श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे और भोजन प्रसादी देगी। पहला बता दें कि आपको रथ के अंदर यहाँ पर सवारी निकलती थी, बाबा बैजनाथ सवार होकर निकलते थे, पर आपके यहाँ पर 26 किलो की चांदी की पालकी बनाई गई है। इस पालकी में बाबा बैजनाथ यहाँ पर नगर भ्रमण के लिए 1 बजे निकलेंगे और लगभग यहाँ से 1 लाख के करीब यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ उमड़ने की संभावना है। आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि देखिए आप बताना चाहूंगा कि यहाँ सुबह से ही मंदिर में दर्शन के लिए उमड़े हैं और काफी भक्तों की यहाँ पर भीड़ लगी है कि सिर्फ एक बाबा के दर्शन करने से और पूजा पाठ करने से यहाँ पर, और आज अंतिम सोमवार है उसको लेकर क्या यहाँ पर तैयारी है और क्या आज अंतिम सोमवार के रोज पूजा पाठ करने से क्या महत्व होता है, हम आप हमारे साथ पुजारी है बबूतपुरी जी, उनसे जानना चाहेंगे कि आज बाबा बैजनाथ सावन का आखिरी सोमवार है तो आज बाबा की पूजा करने से क्या लाभ मिलता है। बाबा बैजनाथ महादेव की अब विश्व प्रसिद्ध मंदिर है और सावन माह में विशेष पूजा का महत्व है। कहते हैं शास्त्र के अनुसार कि इसी सावन माह में जो समुद्र मंथन हुआ था, भगवान भोलेनाथ जी ने विष पिया था जिससे उनके शरीर में काफी अग्नि और गर्मी फुका गई थी। सारे देवताओं ने मिलकर उन्हें जल अभिषेक किया, पंचामृत अभिषेक किया, दूध अभिषेक किया। भगवान शिव को बड़ी राहत मिली, उनसे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कहा कि जो भी कोई तो सावन माह में मुझे जल चढ़ाएगा और दूध पंचामृत स्नान कराएगा उनकी सर्व मनोकामना प्रसन्न होगी। देखिए जो भी भगवान से मांगता है, जल चढ़ाता है, बेलपत्र लाता है तो काफी। आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा कि बाबा बैजनाथ की यहाँ पर देखिए यहाँ पर मंत्र जॉब चल रहा है और बाबा को यहाँ पर रिझाने के लिए काफी प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ वगैरह की जा रही है। देखिए बाबा के दर्शन के लिए भीड़ यहाँ पर उमड़ी है, सुबह से ही पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर लगा है। तो बताते हैं कि ये जो बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर है ये काफी प्रसिद्ध मंदिर है, ऐसा ही मात्र मंदिर है जहाँ पर इसका जीर्ण उद्धार अंग्रेजों ने करवाया था। एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि बाबा बैजनाथ के बाद यहाँ पर जय नारायण बाप जी जो भक्त थे बाबा बैजनाथ के, उन भक्त की भी पूजा की जाती है तो यह काफी प्रसिद्ध मंदिर है। कुछ लोगों से हम बातचीत करना चाहेंगे जो यहाँ पर बैठे हैं। मैम क्या नाम है आपका? प्रियल। आप यहाँ बैजनाथ मंदिर में आते हैं, कब से आ रहा हूँ और क्या बोला? हम बैजनाथ में सन 2000 से आ रहे हैं लगातार सावन में। क्या मनोकामना लेके आते हैं और पूरी? बस ऐसे ही जाप कर रहे हैं। आज अंतिम सोमवार है और आज बाबा की शाही सवारी निकलने वाली है तो खुशी बहुत खुशी है मन में, बहुत उल्लास है। बाबा की सवारी आज, बाबा नगर भ्रमण के लिए आएंगे। देखिए बाबा आज नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे और भक्त यहाँ पर काफी भक्त यहाँ पर भीड़ लगी है। बिल्कुल, भक्तों में उत्साह नजर आ रहा है और वो कहते हैं ना, जावेद कर्ता करे ना कर सके, शिव करे सो होए, शिव से बड़ा न कोई इस जगत में होए। जय महाकाल। और चलिए हमारे साथ मयंक भी जुड़े हुए हैं उज्जैन से, महाकाल की नगरी से, उनका भी रुख कर लेते हैं। मयंक देखिए बड़ी संख्या में आज श्रद्धालु पहुंचे होंगे, जरा एक बार उनसे भी बातचीत कर लिए। जी बात कर ले उज्जैन की, तो बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे और बाबा महाकाल के दर्शन करने के श्रद्धालु हमारे साथ हैं, उन्हीं से चर्चा करना चाहेंगे कि जो बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। भैया आप कहाँ से दर्शन करते हैं? हम उड़ीसा से आए, अच्छा लग रहा है दर्शन, अभी तो आधे घंटे में आ गए अंदर, अच्छा लग रहा, अच्छा लग रहा। देखा आपने कि श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद हैं। आप पूछ रहे हैं पूजा अर्चना कैसे की, जलाभिषेक किया कि नहीं, लेकिन देखिए क्योंकि सोमवार का दिन है और भगवान का भजन, शिव जी का भजन नहीं सुना तो फिर क्या सोमवार। श्रद्धालुओं से पूछिएगा कोई ऐसा भजन जो शिव जी का हो, जो वो उनको याद करने के लिए गाते हो। जी भैया, हाय, हम पुणे से आए, एक मिनट, ओडिशा से आए, पुरी जगन्नाथ धाम। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, हाँ दर्शन का कर पूरा अच्छा लगा। धन्यवाद। सावन का आखिरी दिन कोई भजन आप सुना देंगे? हाँ, सावन का आखिरी दिन आपको भजन सुना देंगे? भजन
हर हर महादेव, ओम नमस्य ओम नमस्य ओम नमस्य। देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु है हर हर महादेव व ओम नमः शिवाय के जयकारों के साथ बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। बड़ी ही लंबी लाइन से दर्शन करते हुए आ रहे हैं और श्रद्धालुओं का उत्साह है जो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। रवि, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से हम देख पा रहे हैं। मयंक, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम तस्वीरों के लिए। विनोद, दुर्गेश और जावेद भी हमारे साथ जुड़े थे बातचीत के लिए और तस्वीरों के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।